नाज़रीन नज़्म सराए, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे इस चैनल पर पाकिस्तान में मौजूद कदीम तारीखी वरसा के बारे में मालूमात दी जाती हैं, बिलखसूस गंधारा तहजीब के इलाके में जगह जगह फैले हुए आसार की अक्सबंदियाँ तारीखी मालूमात के साथ बयान की जाती हैं। हम कई अक्सबंदियों में तक्सीशिला यानी टेक्सला में कई आसार की अक्सबंदियाँ पेश कर चुके हैं। हमने सोचा कि कदीम आसार की अक्सबंदियों के साथ साथ उस मोहसिन के बारे में और उसकी खिदमात के बारे में भी आपको जानकारी दी जाए जिसने मनो मट्टी के नीचे छुपे हुए इन आसार को दरियाफ्त किया और शावां दी ढेरी को टेक्सला बना दिया। कदीम आसार की दरियाफ्त से पहले टेक्सला का नाम शावां दी ढेरी था और इस शहर को टेक्सला का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया, जो कि इस शहर के कदीम नाम तक्सीशिला की जदीद शक्ल है। नाज़रीन, तारीख की गर्द में छुपे हुए इन खराबों से मट्टी की तहें हटाकर दुनिया के सामने पेश करने वाले का नाम सर जॉन मार्शल है। अगरचे टेक्सला में कदीम आसार की खोज का इब्तदाई काम सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया, सर अलेक्जेंडर कनिंगम भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में अहम सरकारी मनसब पर रहा, ताहम तमाम खुदाइयाँ सर जॉन मार्शल की ज़ेर निगरानी हुई। सर जॉन मार्शल वलायत में 1876 में पैदा हुआ और 82 साल की उम्र पाकर फौत हुआ। कैम्ब्रिज से फारिगुत तहसील होने के बाद सर जॉन मार्शल हिंदुस्तान में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल रहा। ये वो दौर है जब दुनिया के बेशतर ममालिक पर बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम कायम था। सर जॉन मार्शल ने न सिर्फ टेक्सला में खुदाइयाँ करके कदीम आसार को दरियाफ्त किया बल्कि पाकिस्तान में वादी सिंध की तहजीब के आसार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाइयों की निगरानी भी की। हिंदुस्तान में सारनाथ और सांची में कदीम आसार को भी सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। यूँ कहना गलत ना होगा कि हिंदुस्तान में कदीम अहद की बाकियात को दुनिया के सामने पेश करने का सेहरा सर जॉन मार्शल के सर है। सर जॉन मार्शल ने टेक्सला में खुदाइयों का आगाज़ 1913 में किया और लगभग 20 साल की काविशों के बाद वो टेक्सला में बुद्ध अहद की कई बाकियात को दुनिया के सामने ले आया। खुदाई के दौरान तह बतह कई अहद दरियाफ्त हुए। इस काम को एहतियात से सर अंजाम देते हुए अच्छा खासा वक्त लगा। इस काम में बहुत महारत दरकार होती है और इन खुदाइयों को इल्मुल आसार के माहिरीन ही सर अंजाम दे सकते हैं। शुरू शुरू में जगह जगह आजमाइशी गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि ज़ेर ज़मीन आसार का अंदाज़ा लगाया जा सके। बसा औकात मायूसी का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल ये थका देने वाला और सब्र आजमा काम है। नाज़रीन, टेक्सला में खुदाइयों का मकसद महज ये नहीं था कि कदीम अहद के लोगों के हाथों से बने फनकारी के नमूने या मुजस्मे दरियाफ्त कर लिए जाएं, बल्कि हर उस चीज़ को महफूज करना था जिससे पता चले कि कदीम अहद के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके अकायद क्या थे, वो कौन सी ज़ुबान बोलते थे और उनका समाजी ढांचा किन असूलों पर उस्तवार था। सर जॉन मार्शल ने मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले इन तमाम नवादरात को अजायब घरों में महफूज करने का मंसूबा भी बनाया। वो नवादरात जो हमें तारीख के गोशों से वाकफियत बहम पहुँचाने में मुमद मावन साबित होते हैं, इस गरज से उसने टेक्सला में अजायब घर की बुनियाद रखी। इस अजायब घर में टेक्सला और गिरदोनवा और गंधारा तहजीब के दीगर इलाकों से मिलने वाले नवादरात को महफूज किया गया है। अगरचे बहुत से कीमती नवादरात को लंदन के अजायब घर की जिनत बना दिया गया, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी अहद हुकूमत चल रहा था। अंग्रेज़ों को यहाँ के तारीखी असासों को लूटने से कौन मना कर सकता था। बहरहाल एक अंग्रेज़ सर जॉन मार्शल का ये एहसान कम नहीं कि उसने मनो मट्टी के नीचे दफन गंधारा तहजीब की बाकियात को दरियाफ्त किया। यूँ दुनिया इलाके की तारीख और अहद गुज़श्ता की तहजीब से वाकिफ हुई। सर जॉन मार्शल ने बुद्ध अहद से ताल्लुक़ रखने वाले अहम मकामात को दरियाफ्त किया। दीगर आसार की दरियाफ्त का काम उसने अगली नस्ल के लिए छोड़ दिया। टेक्सला और उसके कुर्ब जवार में ये मकामात सर जॉन मार्शल की मेहनत के गवाह हैं। स्तूपा धर्माराजी का, आसार गिड़ी, जोलियाँ, सरकप, सरसुक, कुनाला स्तूपा, मोड़ा मरादू, भमाला स्तूपा, भिड़ माउंट, पिपला, कालवान स्तूपा, जंडियाल मंदिर, भलर स्तूपा और दीगर छोटे छोटे स्तूपे जिनके आसार अदम तवज्जुही से ख़त्म होते जा रहे हैं। सर जॉन मार्शल के बकौल सिर्फ टेक्सला में छोटे बड़े 1000 से ज़ायद स्तूपा ज़ेर ज़मीन दफन हैं।
अब इन आसार के ऊपर जदीद आबादियां कायम हो चुकी हैं। मार्शल ने अहम मकामात को दरियाफ्त किया, बाकी के दरियाफ्त का काम उसने अगली नस्लों पर छोड़ दिया था। वैसे भी 1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत को हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ा। सर जॉन मार्शल भी 1934 में मुलाजमत से सुबकदोश हो चुका था। मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद मार्शल साहब अपने वतन वापस चले गए। उन्हें महकमे आसार कदीमा में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर कई तमगों से नवाजा गया। नाजरीन, टेक्सला में खुदाइयों के दौरान सर जॉन मार्शल ने जिस बंगला में क़याम किया वह निकड़ा बंगला कहलाता है और महकमा आसार कदीमा की तहवील में है। टेक्सला के अजायब घर की तामीर के बाद सर जॉन मार्शल अजायब घर के रिहायशी हिस्से में भी मुकीम रहा। सर जॉन मार्शल की बेगम भी मुतअद्दद बार सर जॉन मार्शल के हमरा आईं और टेक्सला में मुकीम रहीं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उस बंगले की अक्सबंदी भी आपकी खिदमत में पेश करें। पाकिस्तानी महकमा आसार कदीमा ने उन कमरों को और उन अशिया को जो सर जॉन मार्शल के इस्तेमाल में रहीं महफूज कर लिया है। टेक्सला के इस अजीम मोहसिन को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी एक रोगनी तस्वीर टेक्सला अजायब घर के सदर दरवाजे के करीब ही नस्ब की गई है। इसके साथ उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया जैसे खाने पीने के बर्तन, मेज़ कुर्सी, घड़ी वगैरह भी आवेज़ा की गई है। सर जॉन मार्शल की टेक्सला पर लिखी गई दो किताबें गंधारा के इलाके की तारीख पर मबनी बेहतरीन किताबें हैं, ए गाइड टू टेक्सला एंड गंधारा आर्ट ऑफ टेक्सला। इन किताबों के नुस्खे गालिबन टेक्सला अजायब घर के कुतुब खाने में महफूज हैं। इसके अलावा वो दस्तावेजात भी अजायब घर के कुतुब खाने में महफूज हैं जिनमें यह बताया गया है कि मुख्तलिफ जगहों की खुदाई कैसे कैसे मराहिल तय करने के बाद मुकम्मल हुई। नाज़रीन गिरामी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हस्ब साबिक यह अक्सबंदी भी आपकी मालूमात में इजाफा का मूजिब बनी होगी। उम्मीद है आप पसंदीदगी का इजहार फरमाएंगे। जिस बहन भाई ने ताहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को भी दबा देंगे तो हमारी आइंदा आने वाली अक्सबंदियों की इतला आपको मिल जाया करेगी। इतलान अर्ज है कि नज़म सराय की इंतज़ामिया नहायत माकूल मुआवजे पर टेक्सला और उसके गिरदोनवाह में फैली बुद्ध अहद की बाक़ियात की सैर करवाने का बंदोबस्त भी करती है। हमारी इस इंतज़ामिया में शामिल माहरीन आसार कदीमा हर जगह की मुकम्मल तारीख से भी आगाही देते हैं। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले बहन भाई और तालीमी इदारों के सरबराहान हमसे इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, 0302-530-1041, 0334-9540-351, 0336-01-650-20। अल्लाह आपका निगहबान हो।